भाई नमस्कार, इस नए वीडियो में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वैसे छात्र जो पार्ट टू में है, उन सभी का बीकॉम का रिजल्ट जारी हो चुका। आप लोग चेक कर सकते हैं अपना वेबसाइट पर जाकर। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाने वाले हैं बीकॉम का रिजल्ट कैसे आप चेक कीजिएगा, पूरा लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिनका सेशन 18 से 21 है उन सभी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का छोटी सी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। तो बिना टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर चुके हैं। इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। तो जिसे आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस तरह न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट वाले सेशन पर जाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट का पोर्टल यहाँ आपको दिखाई देता होगा। तो सिंपल से आप रिजल्ट वाला पोर्टल पर आपको जाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप लोग कैसे अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए, ताकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का छोटी सी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलते रहते हैं अपडेट। तो यहाँ पर देख सकते सबसे पहले आपको सेशन चूज करना है। तो यहाँ पर एयर्स देवनी सर्च करना है और उनके ऊपर यहाँ पर रेगुलर, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको नहीं दिखाई देता होगा यानी बीकॉम पार्ट टू का रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सेशन 18 से 21 वाले था उनका पार्ट वन का रिजल्ट यहाँ पर दिया है ये सब, ठीक है। तो आप लोग ये सब भ्रमित मत हैं, जिनका सेशन 19 से 22 उनका रिजल्ट है, ये 18 से 21 वाले स्टूडेंट का है। और 19 से 22 का जिनका भी रिजल्ट देगा वो ईयर्स वाई 2020 चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप चूज कर लेते हैं ईयर्स 2020, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा रेगुलर, तो आपको रेगुलर वाला भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं या तो आप वोकेशनल वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी वोकेशनल के रिजल्ट अभी तक नहीं चेक किए हैं तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, मैं प्रॉपर वोकेशनल का स्टूडेंट का बनाया हूँ। वोकेशनल पार्ट वन पार्ट टू का रिजल्ट आउट हो चुका है और आप लोग चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर रेगुलर आप चूज करना है, जैसे आप रेगुलर चेक चूज करिएगा तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं बीकॉम पार्ट वन का आप सेलेक्ट ऑलरेडी हो जाएगा। तो भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को बीकॉम पार्ट वन और बीकॉम पार्ट टू और बीएससी पार्ट वन, आप लोग को पता होगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने धीरे धीरे सभी का रिजल्ट दे रहा है। तो पार्ट वन में देख सकते हैं आप सभी को कॉमर्स का पार्ट वन और साइंस का पार्ट वन, सिर्फ बीए का रिजल्ट आर्ट्स का रिजल्ट बचा है पार्ट वन के स्टूडेंट के। तो जो भी आर्ट्स का स्टूडेंट बीए पार्ट वन के स्टूडेंट वीडियो मेरा देख रहे हैं तो भाई आपका भी रिजल्ट इसी तरह आपको चेक करना है, यानी ईयर्स 2020 सेलेक्ट करना है और रेगुलर सेलेक्ट करना है। उनके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा बीए पार्ट वन, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट एक्स कैंडिडेट है तो उनका रिजल्ट ज़रा लेट हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट न्यू है जो पहली बार एग्ज़ाम दिए तो उनका रिजल्ट दिखने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगा। तो भाई आपको क्या करना है, बीए पार्ट टू का रिजल्ट पर सेलेक्ट कर देना, ठीक है। तो इस पर जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके पास इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो भाई आपका जो भी एडमिट कार्ड में रोल नंबर आया है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो जैसे आप फिलअप कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, फिर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं फादर नाम और मदर नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे आप यहाँ पर लिख लेते हैं फादर नाम और उसके बाद आप यह 100 मार्कशीट पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप क्लिक करते हैं उनके बाद आपका मार्क आपके हाथ में रहेगा। तो भाई आप लोग चेक कीजिए और आप सभी को जितना भी मार्क आता है कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे होंगे तो लाइक करके जाएं और इसका लिंक डायरेक्टली मैं, यदि आप डायरेक्ट रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक आपको दे दिए पार्ट टू रिजल्ट, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली आप रोल नंबर और जो अपना सेलेक्ट करता है डायरेक्ट इस पेज पर आपको ले आएगा। तो आप लोग वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और यदि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग हो सकते हैं, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले वीडियो नहीं बनाने का मन करता है तो अपना टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पर मैं कुछ अपडेट दे देता हूँ, ताकि मेरा जितना भी यूजर है सभी को अपडेट मिल पाए। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।